तो पाकिस्तान इस बारे में तो अच्छा खेल गया है। जो न्यूजीलैंड की टीम ने लास्ट टाइम हमारे साथ खेलने से मना कर दिया था कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, आप लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है कि आप हमें सिक्योर कर सकें, इस वजह से उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। अब वो दुबई में पाकिस्तान के साथ ही खेल रहे हैं, वो भी इस्लामी मुल्क में ही खेल रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस इस दफ़ा ये है कि सिक्योरिटी उन्हें पूरी दी जाएगी, आप थोड़ी थोड़ी शॉपरों में डाल के दी जाएगी कि घर भी ले जाएँ और बस अन्नी डाल देनी उन्होंने, मज़ा आ जाना। हमारी सिक्योरिटी नहीं है, सकता है कि इनका तिकोरी ना सिक्योरिटी का जो इनके दिमाग के अंदर जो चढ़ा हुआ था, आज अल्लाह करे उनको सिक्योरिटी का जो फिनोमेना है वो निकाल दिया जाए। मैं तो पाकिस्तान लो आज मैच जीत गए, ओपनर इंडिया बहुत जलील होया है। जो पाकिस्तान के जो दो बल्लेबाजों ने ये सिर्फ मैच जीता है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके एक ने कम 80 किया है, एक ने दो कम 70 किए हैं, तो वो मैच जीत गए, उनके साथ और थे। अच्छा, आपको उनसे उम्मीद थी कि वो ऐसा जीत सकते हैं? इंशाल्लाह ताला, ऐसे हम पाकिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तान के खैर मांगते हैं, इंशाल्लाह ताला हमारे पहलवान भी जाते हैं वहाँ से जीत के आते हैं। यानी कि जो के कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, अगर शायद कोई चीज़ ऐसी होती तो हम भी कहते हैं कि हाँ ठीक है यार चलो एक वाक्य हुआ था, लेकिन ऐसी कुछ ना होने की वजह से आपने सिर्फ अफवाहों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मेहमान के ऊपर, ये तो वही बात हो गई जैसे कि मिसाल के तौर पर ना एक बारात आई भी है और दूल्हा भाग गया। नहीं, मैच से पहले आपको उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा? हाँ जी, मेरा ईमान था, मुझे उम्मीद थी अल्लाह के घर की, बाकी बात का काटा तो अल्लाह। बाकी टीम के लिए कोई मैसेज या टीम का कुछ कहना चाहेंगे? बेटा अल्लाह की ज़ात में हो इज्जत है, आपको भी इज्जत है, आप भी, आपको मुझे खिलाफ बहुत अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट पाकिस्तान एंड इंडियाज मैच? वेल दैट्स अ ग्रेट मैच। आई थिंक इन द अदर वे अराउंड फुटबॉल क्रिकेट is a kind of a sport that bring everybody together, every world. I believe in Pakistan prepared better than India, that's why they win the match. हम यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो चुका है, पाकिस्तान की जो जीत थी और इंडिया का जो हार थी उसके बारे में यहाँ पर आपसे कुछ सवाल करेंगे कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि बहुत बुरी तरह हारा है बस, अगले मैचेस में इंडिया को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि अपने ओपनर्स बैट्समैन को ठीक करना चाहिए। बाकी क्रिकेट का खेल है, खेल को खेल की नज़र से देखा जाए, आपसी रंजिश में ना देखा जाए। बस देखें, जब दो पहलवान जाते हैं तो एक जीतता है एक हारता है, तो इंसान को कभी भी ना गेम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमेशा खुदा का खौफ रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अपनी 100% दें तो अल्लाह ने मेहरबानी की। वो ज़रा ज़्यादा ही थोड़े से चले गए थे, हाइप उन्होंने क्रिएट कर दी थी, ऐसा नहीं होता है, गेम गेम होती है। उस दिन जिस दिन किसी टीम का दिन होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन था, हमने जीत लिया, बहुत ही खुशी हुई। लास्ट 3 सालों के अंदर कोई महंगाई के अलावा, कोई बुरी खबर के अलावा बहुत एक अच्छी खबर मिली जिससे सारा दिन अच्छा हो गया। और शायद न्यूजीलैंड की टीम के जाने के बाद और यूके की टीम के आने, इंग्लैंड की टीम के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को इतनी बड़ी खुशी मिली जो एक्सपेक्टेशनों से, देखें हाँ ये गेम थी, ठीक है गेम ही थी, लेकिन जो वन साइडेड गेम हुआ, 10 विकेटों से जीत भी अनएक्सपेक्टेड, फर्स्ट टाइम आपने वर्ल्ड कप के अंदर उसको हराया, यानी कि इस पर तो बिलीव ही नहीं हो रहा था लोगों को, शायद उम्मीद भी नहीं थी कि देखा इसके लिए जा रहा है। ठीक है इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, उम्मीद कुछ भी नहीं थी कि पाकिस्तान शायद जीतेगा ना जीतेगा। पाकिस्तान की जीत के बारे में और इंडिया की हार के बारे में आप क्या कहना? बीइंग मुस्लिम मेरा ईमान है कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, ठीक नहीं? हमारी टीम में इस वक्त जो है ना कुछ नेक लोग भी हैं, जैसे मोहम्मद रिजवान, उसने ड्यूरिंग मैच नमाज अदा की, अल्लाह को भी अपनी जो है ना बंदों पर प्यार आ जाता है। जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, पूरी सिक्योरिटी के साथ जीतेगा, उन्हें सिक्योरिटी देगा, हर एक एक प्लेयर को लैदा ले जाके भी सिक्योरिटी देगा और पिच पे भी देगा और बाहर भी देगा। यार देखें, अगर तो कोई भी टीम अच्छा खेलती है ना और एज अ टीम खेलती है तो वो यकीनी तौर पर जीत जाती है। और जो ये न्यूजीलैंड का जो लास्ट टाइम हमारे साथ क्लैश चला कि वो आए ही नहीं कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अब वो दुबई में उनके साथ खेल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार देखिए, आए तो थे, एक दफ़ा तो आए थे, आगे फिर चले गए, तो ज़ाहरी बात है बहुत गलत बात है, हमारा अपना तासुर बहुत गलत किया है कि पाकिस्तान में फोर्स कॉम नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से वैसे भी काफ़ी अजीबोगरीबे गरीब बातें की जाती हैं, तो ये हमारे हक में यकीनी तौर पर बेहतर नहीं गया था, तो अब लेकिन मैच होगा तो सारी सिक्योरिटी खदशात उनके इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। देखिए मेरे से पाकिस्तानियों को इंडिया के बाद किसी मैच का इंतजार था तो न्यूजीलैंड से था, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है कि न्यूजीलैंड को समझाने का, और मेरे ख्याल से वो जो इशू था सिक्योरिटी का वो जानबूझ के खड़ा किया गया था, ऐसा कोई इशू नहीं था क्योंकि उनका पैनल, सिक्योरिटी पैनल पहले खुद ही क्लियर करके गया था, लेकिन एकदम से जब पीछे से मेरे से जो खत्ते के जो हालात चल रहे हैं उस वजह से वो जो है चेंज किया गया था डिसीजन का, पाकिस्तान को
एक तरह के टैकल करने के लिए। तो इस्लामी मुल्क में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि हम लोग इस तरह से जवाब नहीं देंगे, हम लोग खेल के मैदान में उतर के उनको जवाब देंगे। यानी आप उनको ये जवाब दे रही है कि इस्लामी ही मुल्क में खेल रहे हैं आप? हम उनको जवाब दे रहे हैं कि साढ़े वालों जवाब है। We'll be right back.